आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जिस इंसान ने एक इंसान की जान बचाई गोया कि पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो अल्लाह ताला हमें जो है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम जो है वो कम से कम जो है वो अपने एक मरीज की जो है वो जान बचाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी इंसानियत की जानें जो है बच जाएंगी। तो एक जान जो है वो कैसे बचाई जा सकती है, तो ये हमारे हकीम अबू सईद सनान बिन साबित हरानी की ग्राह कदर खिदमात है। इसके अंदर उन्होंने जो है वो सबसे पहले तिब के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि हफ्जाने सेहत हाइजीन का जो है वो आगाज किया। इनकी ग्राह कदर खिदमात हमेशा याद रखने वाली है। ये सुल्तान मुकद्दर बिल्ला के खास जो दरबारी थे और खास इनको जो है ये अहमियत हासिल थी, इन्होंने जो है वो इल्मी फनी हैसियत से इनका बहुत दर्जा बुलंद था, जिसमें मर्ज की तशखीस के मुआलजा के साथ साथ इनकी जो है वो शुरत जो है वो सफाई और सुथराई के मुतलक जो है मरीजों की जो है वो हदायत को जारी करते थे। कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि हफ्जाने सेहत और हाइजीन ये इनके बेसिक सब्जेक्ट थे, यानी कि हमारे तबीबों ने बेसिक जो है नॉलेज अबाउट कम्युनिटी मेडिसिन जो है ये उस वक्त से स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आजकल के दौर के जो है अलियास वगैरह ये वो थोड़े बहुत जो है ये इन्होंने जो है कुछ किताबें लिख के हमें जो है वो थोड़ा बहुत जो है नॉलेज दिया है, लेकिन हमारे जो हुक्मा हजरात है यानी कि अबू सईद सनान बिन साबित जो है इनका नाम जो इसके अंदर सबसे पहले हकीम थे जिन्होंने हफ्जाने सेहत के असूलों को मरतब किया और खास तौर पे जो है इनकी दानिशमंदी और हाजक तबीब होने का ये सबूत था कि ये जो है मरीज को सबसे पहले ये बताते थे कि तुमने जो है ये काम गलत किया है, तुमने ये गजा गलत खाई है, तुम्हारे मकान के अंदर रोशनदान नहीं है, तुम जो है वो सैर नहीं करते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते हो जिसकी वजह से तुम बीमार हुए हो, तुम जो है नहाते नहीं हो महीना महीना, तुम अपने दांतों की सफाई नहीं करते हो। तो इस तरीके से इन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए सफाई जरूरी है ये इन्होंने जो है वो करार दिया। इसमें जो है इन्होंने सेहत और तवानाई बरकरार रखने के लिए जरूरी असूल और तदाबीर बनाए कि यानी कि जो खुदा की बख्शी हुई जो है वो अजीम नेमत जो है उसको बरकरार रखने के लिए हमें जो है वो कैसे अपनी जिंदगी को लाइफस्टाइल को जो है वो अफजाने सेहत के असूलों के ऊपर जो है वो अमल करते हुए जो है गुजारनी है। कम्युनिटी मेडिसिन का जो है इन्होंने जो है वो बुनियाद रखी। सबसे पहले जो है वो इनकी जो बुनियाद है ये हमेशा जो है वो कायम रहने वाली है। तो दोस्तों उस वक्त बगदाद के अंदर जो है सबसे पहले इन्होंने जो है वो मुक्तदर बिल्ला को जो है ये मशवरा दिया कि हमें पूरे बगदाद के अंदर जो है डिस्पेंसरियों को कायम करना चाहिए, शफा खाना जो आपको कायम करना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो बड़े पैमाने पर और छोटे पैमाने पर यानी कि बड़े हॉस्पिटल और छोटे पैमाने पर छोटी डिस्पेंसरियों का आगाज किया। तो इस तरीके से सबसे पहले इनका जो है वो वहां पे मरीजों को जो मशवरा दिया जाता था मुफ्त मशवरे, इस तरह से मशवरा दिया जाता कि आप ये काम जो है इस तरीके से कर रहे, यानी कि जो भी मरीज होता था उसकी बेस जो है हकीम सरदार ने जो है सबसे पहले ये बताई उसकी बेस असल में जो है वो हफ्जाने सेहत के असूलों को जो हाइजीन के असूलों को जब हम पीछे कुछ डाल देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं उस वक्त ये मसला जो है ये होता है। तो इस तरीके से सब इन्होंने जो है सबसे पहले टीबी डिस्पेंसरी की जो बुनियाद रखी, शफाखाना सईदा जो है इन्होंने कायम किया जिसमें जो है बड़े पैमाने पर सेहतमंद लोगों को मशवरा दिया जाता कि तुमने सेहतमंद कैसे रहना है। तुम्हारा तो इलाज तो हर बंदा करता है
लेकिन सेहतमंद को सेहतमंद रखना जो है ये जो है वहां पे जो है लैंड शोभा जो काम किया गया कि वहां पे जो है सेहतमंद लोग जाते थे वो हकीम साहब से जो है मशवरा करते थे कि मैं अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मुझे जो है वो वर्जिश करनी चाहिए, मुझे कितनी वर्जिश करनी चाहिए, मुझे कौन सी खुराक खानी चाहिए, मुझे कौन सी गुजार नहीं खानी चाहिए। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले इन्होंने जो है वो एक तरतीब से असूल बना दिए कि सेहतमंद रहने की असूल है। तो उन्हीं असूलों पे अभी कम्युनिटी मेडिसिन सारी काम हुई है, जो उनका जो है तमाम कम्युनिटी मेडिसिन जो मैं आप अभी मैं पढ़ता हूँ जितनी भी जो है ये कम्युनिटी मेडिसिन की बुनियाद, जब मैं इनके बारे में पढ़ा था अबू सईद सनान के बारे में तो बुनियाद जो है बेसिकली तौर पर उन्होंने रखी है। तो इसके बाद जो है यानी कि इनकी जो है वो तशखीस जो तफ्तीश और तहकीक जो है वो बेसिक का जो है वो तदारक यानी कि बेसिक तदारक का मतलब ये है कि जो बीमारी की असल वजूहात क्या है जी, मर्ज की असल वजूहात जो है वो गंदगी अनहाइजेनिक जो है वो रहना सफाई जो है वो इस्लाम में निसफ अमान है। तो इस्लाम में निसफ अमान यानी कि पूरे ईमान का आधा ईमान तो सफाई में है जी, तो इन्होंने उसको ही जो है मद्देनजर रखते हुए हर मरीज को सफाई यानी कि आपने दांतों की सफाई, आंखों की सफाई, कानों की सफाई, नाखूनों की सफाई, कपड़ों की सफाई और पैरों की सफाई और हाथों की सफाई और वजू वो भी सफाई का एक तरीका और गुसल का बेहतरीन तरीका जो है आपने जो है वो और इसी तरीके से सैर वर्जिश और इसलिए जो है ये एक अहम शोभा जो काम कर दिया यानी कि सेहतमंद आदमियों को कैसे मजीद सेहतमंद जो है वो बनाया जा सकता है और अपनी सेहत को जो है वो कैसे जो है वो बरकरार रखा जा सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ये हदायत जारी की कि अपनी तंदुरुस्ती को गफलत या नावाकफियत की वजह से जल्द जाया ना करें, ये इनका असूल था जो इनके मतलब के ऊपर या इनके जो शफाखाना के ऊपर लिखा हुआ था कि जो है वो अपनी तंदुरुस्ती को गफलत और नावाकफियत की वजह से जल्द जाया ना करें। तो सेहत को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले जो है वो हाइजेनिक असूलों को अपनाएं और असल मर्ज की जो वजह है वजूहात है वो है जी असल में जो है सफाई का ख्याल ना रखना। जब सफाई नहीं होगी वहां पे मच्छर मक्खियां और हर किस्म के जरासीम और हर चीज जो है आपके ऊपर जो गालब आ जाएगी और आपको जो है वो बीमार कर देगी। इस तरीके से जो लोग सफाई का ख्याल रखते हैं वो हमेशा तंदुरुस्त तवाना रहते हैं। तो ये इनका असूल था। तो इसी तरीके से जो है वो हमें हमेशा जो है वो सफाई का ख्याल रखना जो है वो चाहिए। तो हम दूसरी तरफ जो है ये हिस्ट्री की बात कर रहे थे जिसमें मेंटल कंडीशन के बारे में हम जा रहे थे कि हमें जो है वो कोई भी पेशेंट हमारे पास जब आता है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं, उसमें वालदैन के बारे में, बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, पेशा के बारे में, शख्सियत के बारे में, फैमिली हिस्ट्री में। तो इसके बाद जो है ये कॉम्प्लिकेशन जो भी उनके कंप्लेन आई है फैमिली हिस्ट्री की वजह से आई है उनके बारे में जो है वो जानते थे कि बेसिकली तौर पर ये जो है ये किस तरीके से ये कंप्लेन आई है। इसी तरह से जाती हिस्ट्री लेते हैं जी जिसमें उसमें जो है वो उसकी पैदाइश से लेके बचपन, तालीम, पेशा और उसके बाद जो है नफ्सियाती और जिनसी तलाकात, इश्क, मशुक्की, अदबियात का इस्तेमाल और उसके बाद जो है वो मुजरमाना कारनामे हम कह सकते हैं जी कि जो मतलब जो मुजरम जो है ये जो भी काम करता है मतलब जो है वो क्राइम जितने भी जो है कोई जो है वो इल्जाम दे के उसके बाद पछताता रहता है फिर सारी जिंदगी, तो वो सारी जिंदगी जेल में जो है वो सड़ता रहता है। तो इस तरीके से जो है बाल पात जो है वो अनकॉन्शियसली बाल पात ऐसे जो है वो हो जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है उनको हो जाती है। इसके बाद औरतों में जो है वो अमल और उसके बाद पैदाइश की खराबियाँ, सोजश, रीम की सोजश और उसके बाद दर्द हमल जो है वो दर्द जह और उसके बाद पुराने हमल जो है उसकी शिकायत और उसके बाद जो है वो जल्दी जो है वो बड़ी हो जाना यानी कि ग्रोथ फैक्टर जो है कई लोगों का बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह से जो है चलना, बात करना और इसी तरीके से बात करने का जो है सलीका और सेल्फ कंट्रोल में जो है ये फिल्टर कंट्रोल भी शामिल है
यानी कि उसमें जो है वो डेफिनेशन बैक के स्प्रिंटर जो है एनएस के अंदर जो होते हैं, इसी तरह जो है वो दूसरे जो है वो जुडिशियल के स्प्रिंटर जो होते हैं उनके कंट्रोल वगैरह जो है बाद का जो है ये कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल जो है ये बाद का ऐसे जो है वो जिसमें पखाना और पेशाब जो है ये खारिज होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं, तो स्प्रिंटर अपने जो है वो काम नहीं करते। तो ये भी जो है मरीज से सवाल जो है वो किया जा सकता है। तो बहुत से जो है वो मतलब ऐसे अनकॉन्शियस मरीज होते हैं उनके अंदर ये मतलब जो है यूरिनेशन का प्रॉब्लम, नाइट फॉल, ये सही से रात को जो है उनको खुद खुद जो है यूरिनेशन हो जाता है। बच्चों में खास तौर पर जो है ये गोल बिस्तरी या पेशाब का जो है बिस्तर पे खारिज हो जाना भी एक जो है वो मर्ज के जमरे में आता है। इसी तरह से जो है वो बच्चियों के मसाइल बहुत ज्यादा है जिसमें जो है वालदैन का जो है वो ज़रा सा दूर रहना और इसी तरीके से वालदैन के साथ जो तल्लुकात जो है वो ना होना, उन्हें वालदैन के अलैहदगी के बाद जो है बच्चे बाल पास हॉस्टल में या वालदैन की मौजूदगी में बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत से अमीर वालदैन जो है वो बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपने वालदैन से मिलने के लिए तरस जाते हैं। बेचारे बच्चे जो है वो मासूम होते हैं, उनको वालदैन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जो है वो अपने जज्बाती मुश्किलात को भी जो है वो काबू में रखते हैं, तो उसके बाद जो है बाद जो है वो ऐसी मुश्किलात का उनके अंदर अध्ययन आ जाता है जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इलाज की मौजूदा सूरत हाल क्या है जी और किस तरीका से जो है वो इलाज करवा रहा है, या कि बचपन में जो है उसमें कोई ऐसी चीज़ जो है वो पैदा हुई है जिसकी वजह से जो है हमें जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हुई है। इसी तरीका से जो है ये लड़कियों के अंदर खासतौर पर ये बीमारियाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रिएट होती है, वो नुस्ती मरीज बहुत जल्दी हो जाती है, वो हर चीज़ छोटी छोटी बातों को जो है महसूस करके रोना शुरू कर देती है। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो कि मतलब घर के अंदर बच्चियाँ जो है वो रोना शुरू कर देती है और अजीब जो है हिस्टेरिया और इस तरह के जो है वो मसाइल में शिकार होती है। और जो है खासतौर पर जो है ये मोबाइल फोन ने जो है आजकल तो अखीर कर दी है, जिसकी वजह से जो है बच्चियाँ जो है वो बेरहमी और इस तरीके से कुछ चीज़ों का बच्चे भी इस तरह से शिकार हो गए हैं और वो दिली तौर पर जो है वो मफलूज हो गए हैं। और इसी तरीके से स्कूल की हिस्ट्री भी आप लेते हैं कि स्कूल में और उसके बाद जो हायर एजुकेशन उसने क्या हासिल की, कौन से कोर्सेज लिए और कोर्सेज के जो है वो कौन से एग्जाम लिए और उसकी जो है गैर निसाबी और हाफ निसाबी का सरगर्मियाँ कौन सी थी, असातिज़ा और अपने दोस्तों और मोहल्लेदारों के साथ उसका रवैया, अपने तुलबा के साथ उसका रवैया ये भी नोट करते हैं, और उसका तजर्बा फितरती तजर्बा और उसका जो है वो ड्यूरेशन क्या है और उसके साथ क्या है ये सब हम जो है वो नोट करते हैं। उसके बाद आखिर में जो है कुछ पेशा उसने जो कौन सा पेशा अपनाया हुआ है, मौजूदा काम कब से वो कर रहा है और जो उसकी ड्यूटी की परफॉर्मेंस कैसी है और उसकी तसल्ली बख्श है या गैर तसल्ली बख्श है, अपने काम में दिलचस्पी लेता है या नहीं लेता, तो ये लिस्ट बना के जो हमें इसका जो है वो थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाता है। इसी तरीके से जो है वो जब काम जो है वो करने में दिलचस्पी नहीं होती तो बाद काम जो है वो छोड़ देता है, गरीब बंदा जो है वो अगले काम की तरफ चला जाता है। क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, तो इस तरीके से नए काम को क्यों अडॉप्ट किया, तो इस तरीके से ये सारा कुछ भी आपका नहीं थी या आपकी दिलचस्पी नहीं थी या कि आपका रवैया उसमें नहीं था। तो बाद लोग ये कहते हैं कि भाई हमें जो है ये प्रॉफिट नहीं है, हमें ये नहीं होता, तो आप अपने रवैये को जब तक दुरुस्त नहीं कर सकते तो उस वक्त तक ये काम में मुकम्मल तौर पे दिलचस्पी से एक ही वक्त में एक काम नहीं करते, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है कि इंसान जो है ये और एक ही वक्त में 10-10 काम जो है वो लगे हुए हैं। तो मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि एक वक्त में 5-6 काम करते हैं। मतलब कि मैं एक बंदे की मिसाल देना चाहता हूँ कि वो जो है वो गवर्नमेंट का ठेकेदार भी है, वो मोटरसाइकिल का जो है वो महीने के बाद वो निकालता है, कुरानदाजी भी करता है, वो जो है उसकी एक दुकान है, एक स्कूल भी चलाता है, सरकारी मुलाजम भी है, तो उसके बाद उसकी ये एक दुकान है जी, ये पंसार की दुकान है, उसके बाद उसकी स्प्रे सेंटर की दुकान है, और उसके बाद जो है ये गवर्नमेंट की ठेकेदारी भी करता है, और इसके साथ जो है ये मतलब के और भी बहुत से काम जो है ये मतलब जो है हज के लिए लोगों को भेजता है, कमेटियाँ डालता है, तो 10-10 काम इस तरह से लोग जो है ये
करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये मतलब इधर का सरमाया उधर लगा दिया, उधर का सरमाया इस तरह से सरमाए का चक्कर जाइए, हर वक्त वो लगे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये भी जो होता है, तो इस तरीके से जो है ये तलकात की अहमियत, पार्टनर का जो है वो की अहमियत, और उसके बाद जो है वो जींस के तलक जो है उसका रवैया कैसा है, और उसके बाद जो है यानी कि उसमें जो है वो जिनसी तलकात का जो है डोरेशन कितना रहा है, और किस वक्त से जो है ऐसे जो है वो एक दूसरे के साथ तलकात बेहतर है या नहीं है, रवैया और बीमारी के साथ साथ जो है तलकात के बुनियाद पर भी हम एक दूसरे के मुश्किल को और इसकी बात है इसकी अहमियत को, और पुराने तलकात का कोई भी जो है यानी कि तकाजा उसको पूरा कर रहा है या नहीं, यानी कि अपने खानदान के अंदर जाइए उसके जितने भी तकाजे हैं, या अपनी मिसेस वाइफ के अंदर, या बच्चों के अंदर, या मतलब जो बड़ों के अंदर अपने वालदैन के हकूक, और इसी तरीके से अपने जो है पड़ोसी के हकूक को पूरे कर रहा है या कि नहीं। तो इस तरीके से जो है बहुत से लोग जाएंगे इस तरह के तकाजे जो पूरे नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो सोशल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते, और वो अपने ही कामों के अंदर जो है वो मगन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जब एक किस्म के नफसियाती जो है बाद लोग उनको समझते हैं कि ये नफसियाती मरीज लोग हैं, तो नफसियाती हिस्ट्री हम लेते हैं जिसमें जो है वो उनका जिस की तरफ जो है वो रवैया क्या है, और उसमें जो है वो शिकायत और तलकात और मौजूदा अलामात क्या है, हम जिनसी और उसके बाद जो है खुद लगती वगैरह के तलक जाइए भी हम उनसे जो है वो पूछते हैं जी। इसके बाद बच्चे के मुतलक जो है बच्चों की जो है वो शनाख्त, और उसके बाद जो है ये बच्चे जो है वो औरतों के अंदर जो है ये मसले जो होते हैं उनमें जो है बच्चों की जो है वो कितने बच्चे हैं, और उसके बाद अबॉर्शन कितनी हुई है, और उसके बाद जो है ये मुझे पैदाइश के वक्त को प्रॉब्लम, और उसके बाद जो है उनकी जज्बाती तब्दीलियाँ पैदाइश के वक्त, पैदाइश के बाद बहुत से बच्चों को जो है वो तब्दीली आती है, औरतों को बहुत सी तब्दीलियाँ जाती हैं, सनयास में लोग जो है वो गुस्सा में चले जाते हैं, सनयास तो आप समझते हैं कि औरतें जब जाइए 4 साल से ऊपर, या पाकिस्तान में जाओ 45 साल से ऊपर जब चले जाते हैं तो वो सनयास में चली जाती है, तो उनकी कैफियत जो है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आता है, तो मजहबी रुझान उनका क्या है जी, जज्बाती रुझान क्या है, और उनके अंदर जो है तरक्की की जो है वो क्या शरह है, और वो दीनी और जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो किस तरीके से है। तो बहुत सी पेशेंट जो है वो मेरे पास आती है, तो कुछ रिटायर जो है ये लेके लोग आते हैं मेरे पास, वो भी रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी परेशान होते हैं लोग, ये रिटायरमेंट के बाद उनके पास करने को कोई काम नहीं होता। एक टीचर मेरे पास आई, तो वो टीचर जो थी वो कहती जी मेरे पास मेरा बच्चा भी कोई नहीं है और मेरे पास काम भी नहीं करने का, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि आप एक घर में बगीचा लगा ले, तो बगीचे को रोजाना जो है वो पानी देते रहे, समझे कि आप ये मेरे बच्चे हैं उनको जो है वो आप पालें और इस तरीके से उनको जो है वो बेहतर करें, तो आपका दिल जो है इस तरफ लग जाएगा और आपकी सोच जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो वो जो है जब दूसरी दफा तीसरी दफा मेरे पास आई तो वो बड़ी खुश थी और कहते कि साहब आपने तो कमाल का मशवरा दिया है, 5-10 दिन में ये जो है बीज मेरे जो है ये बढ़ गए हैं, अब मैं फूलों की तरफ और ये जो जितने पौधे मेरे जो है ये जितने भी पौधे आपने जो है मेडिसिनल प्लांट आपने मुझे बताए हैं तो ये तो बड़े ग्रो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और मैं इनको रोज पानी देती हूँ, सुबह उठ के शाम को भी मैं इनको पानी देती हूँ, और मुझे जो है ये बड़ी खुशी होती है कि रोज उसकी कंपनी निकलती है और उनको रोज जो है नए पत्ते निकलते हैं, मैं उनको बड़ा जो है वो रोज पसंद करती हूँ। इस तरीके से रोज जो है कोई ना कोई पेशेंट जो है वो नफसियाती मरीज लाजमी जो है हमारे पास आते रहते हैं, तो समाजी और माशरती असरात उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल लोगों को उनका भी हम जायजा लेते हैं, और उसके बाद जो है इसमें घर की जिम्मेदारियाँ और माशी सूरत हाल खास तौर पर हम जो है वो उसको नोट करते हैं। आजकल जो माशी सूरत हाल देखें कहाँ पर महंगाई जो है वो कहाँ में पहुँच गई है, तो हर बंदा जो है फाइनेंशियली तौर पर जो है ये बड़ा कमज़ोर अपने आप को फील कर रहा है कि एक बंदे की अगर 1000 रुपये दिहाड़ी है तो वो जो है वो अपनी घी लाएगा, चीनी लाएगा, आटा लाएगा, तो आटा जो है देखिए किस कदर जो है महंगा हो गया है, तो वो ये चीज़ें ला के तो उसको जो है वो अगर 4 बच्चे या 5 बच्चे तो वो कैसे जो है गुजारा करेगा, तो 30,000 रुपया अगर महीने का कमा रहा है तो मुझे तो समझ नहीं है, हमारा जो है ये इंटरलूप एक दोस्त काम करता 26,000 रुपये की तनख्वाह है, तो वो कहता है कि मेरा एक बच्चा है उनका तो वो कैसे गुजारा करता है, तो वो कहता है बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को जूता और जो है ये कपड़े नहीं मैं लेके दे सकता, खाना ही बड़ी मुश्किल से पूरा करता हूँ, और मकान का किराया तो अलग है,
तो ये सारे मसाइल जो है ये माशी मसाइल जो है इसके अंदर शामिल है। तो ये माशी सूरत हाल भी हमारे जो है वो बेचारा जो है और भी कोई काम नहीं कर सकता, तो जो वो कर सकता है तो वो तो करता है, तो उसके अलावा उसको कोई जो है ये नहीं है, तो अब वो कोरिया की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये अद्वियात का इस्तेमाल जिसमें अल्कोहल और उसके बाद जो है यानी कि तम्बाकू नोशी और दीगर अद्वियात जिसमें ट्रैंकलाइजर सेडेटिव अद्वियात जो है ये उसकी हिस्ट्री में शामिल होते हैं। बहुत से लोग जो है हमारे भाई जो है वो अक्सर जो है वो सेडेटिव अद्वियात पे ट्रैंकलाइजर पे मरीजों को लगा देते हैं और लगातार कई कई साल से खा रहे हैं, तो उनको मतलब जो है ये पता ही नहीं है कि हम जो है ये नहीं खाने से हमें क्या नुकसान होगा। तो आखिर में जो है ये मेरा जो है ये पसंदीदा वकालत का जो है ये आ गया जी आगे। तो इसमें आखिर में जो है ये उसकी जो है मुजर्माना हिस्ट्री हम लेते हैं जिसमें जो है वो उसने कौन कौन से जुर्म किए, कैसे किए, क्यों किए, वो मुल्ज़म और मुजरम जो है वो कैसे बना, और उसके बाद जो है कितनी दफा उसको पुलिस ने जो है वो पकड़ा और उसके बाद छोड़ा, और उसकी जो है वो मुजर्माना कैफियत जो है वो कैसे पैदा हुई, उसने चोरी डाका या जो है ये इस किस्म के अवामल जो है वो क्यों शुरू किए, और अब जो है वो उसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है, वो जेल में कितनी दफा रहा है और थाना में कितनी दफा गया है और वकील को उसने कितनी दफा किया है और किस कोर्ट में जो है वो उसका अभी तक मुकदमा चल रहा है। बहुत से लोग जो है वो मुकदमाबाजी में जो है ये हमारे पास आते रहते हैं सारा दिन, ये जो है वो MLC के केसेस और इस तरीके से हमारे हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली तौर पर आज भी एक बंदा आया, तो मैं उस बंदे का नाम नहीं, मेरा जज से बात हो गई है जी, तो मुझे ये इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो जज से मेरी बात हो वो आधे पैसों में जो है वो रजामंद हो गया। ये बातें करने वाली नहीं होती, लेकिन चले कि इसमें इस तरीका से जो है बाद लोग जो है ये, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इस तरीका से जो है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे भी जो है काम हो रहे हैं, तो इस तरीका से जो है मुजर्माना सोच रखने वाले जो है ये कुछ इस किस्म के जो है हरकत भी कर जाते हैं। तो इस तरीका से हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो मुजर्माना सोच रखने वालों की तब्दील जो है वो सोच करें, उनको इस्लाम की तरफ लाएं कि जो है वो रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों गुनाह है। तो इस तरीके से जो आप कोशिश करें कि आप जुर्म ना ही करें, जुर्म की तरफ ना जाएं, तो अल्लाह ताला जो है ये हमें जो है वो जुर्म से बचने और अपने आप को महफूज रखने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। आखिर में कुछ चीज़ें जो है ये रोज डिस्कस करते हैं, तो उसके बारे में जो है वो आज जो है पहला पैगाम तो ये है कि हमें जो है इंसानियत की जान बचाने के लिए जो भी नफसियाती मरीज, असल में नफसियात भी जो है ज़हनी मरीज जो है वो पागल नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ खलल आ जाता है, थोड़ी बहुत दिमागी कमजोरी आ जाती है, तो वो उस तरह की हरकतें करनी शुरू कर देते हैं, तो उनको हमें जो उनकी सलाह जो है वो जरूरी है। तो सलाह जो है जैसे हमारे वकील साहब ने बहुत सी चीज़ों की की है, इसी तरीके से आप उनकी जब सलाह करेंगे तो वो जो है वो राह रास्त पे आ जाएंगे। अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे जो है वो लाने की तौफीक अता फरमाए। और जैसे कि हमारे वकील साहब ने जो है वो सबसे पहले जो है वो डिस्पेंसरी खोली थी, हमारे यहाँ पे भी बहुत सी डिस्पेंसरी तिबी डिस्पेंसरी मौजूद है, अल्लाह उनको काम दायम रखे, तो मुंसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी बहुत सी तिबी डिस्पेंसरी मौजूद है, फैसलाबाद की मुंसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो है इस्लाम नगर में, यहाँ पे जो है ये अफगानाबाद में और ये इस्लामपुरा में, ये जो है जिला कौंसिल के अंदर डिस्पेंसरीज है जिसमें हकीम तैनात होते हैं, हकीम आशिक साहब जो है ये भी जिला कौंसिल के हकीम है, ये आजकल जो है ये जनरल अस्पताल जो है ये सबनाबाद में तशरीफ फरमा होते हैं। तो इस तरीके से बहुत से हकीमों की जो है ये डिस्पेंसरी जो है वो जिला कौंसिल के अंदर में मौजूद है, सिर्फ आपको सिर्फ जो है वो अफोर्ड करने की जरूरत है, थोड़ी सी कोशिश करें तो इंशाल्लाह जो है आपको जाइए वो भी डिस्पेंसरी जो है ये PDO साहब के अंदर ही आ गई, मतलब CO साहब के अंडर ही आ गई, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ के अंदर ही जो है ऑफिसर हेल्थ के अंदर ही आ गई है। तो इस तरीका से ये सारा जो है वो निज़ाम जो है पाकिस्तान में जो है जग में मैं जो है इंचार्ज रहा हूँ जिला कौंसिल डिस्पेंसरीज का, तो वो सारा निज़ाम मेरे पास था। इस तरीका से जो है ये बहुत सी डिस्पेंसरी जो है ये हमारे फैसलाबाद के अंदर जो है ये तनौला के अंदर और ये दसुआ के अंदर, जसुआ म्यारी के अंदर और बहुत सी इस तरीके से जो है
फैसलाबाद में तकरीबन 40 जिला काउंसिल के अंदर जो है वो डिस्पेंसरी काम करती थी, रजाबाद डिस्पेंसरी थी वो भी काम करती थी, लालबिल की डिस्पेंसरी थी वो भी काम करती, वहाँ पे हकीम थे। तो इस तरीके से जो कुछ डिस्पेंसरी अबॉलिश हो गई है, तो अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो दोबारा इनको बहाल किया जा सकता है। जैसे हकीम जो है वो हमने सन्नान साहब की बात जो है वो की है, तो इसी तरीके से आखिरी एक पैगाम है। तो हमारे यहाँ पे जो है ये सोशल मेरे साहब जो है 46 नंबर कमरे के साथ 45 नंबर कमरा है, वहाँ सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो बैठते हैं, तो वो अंग्रेजी अदबियात को जो है वो लोगों को फ्री जो है कॉस्ट देते हैं, तो वो जुकाम पढ़ से देते हैं। तो मेरी अपील है अपना सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स के जो है ये जितने भी जो है वो दरान है डॉक्टर मोहम्मद अकरम की शासन से, तो वो जो है वो क्योंकि हम भी सोशल वेलफेयर का काम भी करते हैं, ये हम लोगों को जो दवाइयाँ देते हैं देसी अद्वियात वो भी सोशल वेलफेयर के अंदर ही आता है। तो जब अंग्रेजी अद्वियात को परचेज करके दे सकते तो हमारे देसी अद्वियात भी वो परचेज करके जो है वो जरूर दें। तो इस तरीका से जो है ये लोगों का भला होगा, लोगों को शफाए काबला जो है वो बड़े अच्छे और कम पैसों में मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप हजारों या लाखों रुपए जो है वो इतनी बड़ी बड़ी अद्वियात जो आप खरीदते हैं उनको देते हैं, चेयर देते हैं और इस तरह से व्हील चेयर देते हैं और दीगर सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर देसी अद्वियात भी जो है वो आप अपने बजट में शामिल करें तो हम आपके बहुत मशहूर होंगे। ये जो है ये देसी अद्वियात का काम जो है ये सोशल वेलफेयर के तौर पर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और मेरे भाइयों का और मेरे दोस्तों का और मेरी बहनों का, मैं बहुत मशहूर हूँ। तो अल्लाह ताला जो है हमें मजीद तरक्कियाँ और कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाएं। हम इंसानियत की जान बचाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें इस तौफीक में जो है वो अपने कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर।